शिरपुर तालुका पुलिस की एक टीम ने मुंबई आगरा हाईवे पर हाड़ाखेर चेकपोस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियारों के साथ इंदौर से विभिन्न हथियारों के साथ धूला जा रहे एक गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये धारदार हथियार राजस्थान राज्य से महाराष्ट्र लाए गए थे। धुले जिले की शिरपुर तालुका पुलिस को मिली सूचना के आधार पर शिरपुर तालुका पुलिस ने हाड़ाखेर सीमा चौकी से एक सफेद अर्टिगा वाहन में धारदार हथियारों की आवाजाही को रोका। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में मारुति कंपनी की करीब 6,29,100 रुपए कीमत की अर्टिगा कार जब्त की गई है। शिरपुर तालुका पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने सतपाल गिरधर सोनवणे, किरण नंदलाल दूधेकर, विकास देव ठाकरे, सखाराम रामा पवार, सचिन राजेंद्र सोनवणे, राजू अशोक पवार, विशाल विजय ठाकरे, संतोष नामदेव पाटिल, अमोल शांताराम चौहान, विट्टल को गिरफ्तार किया है। सोनवणे सभी धुले तालुका में रहते हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिरपुर पुलिस के इस दमदार प्रदर्शन के लिए पुलिस अधीक्षक संजय बरकुंड ने शिरपुर तालुका थाना के सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश शीरसाट व उनकी टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक माहौल में हड़कंप मच गया है और कुछ दिनों पहले सोंगीर के पास से भी इसी तरह से 90 तलवारें जब्त की गई थी। शिरपुर तालुका पुलिस ने तलवारें कहां से और किस मकसद से जब्त की, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन एक साल के भीतर तलवारें जब्त करने की यह तीसरी घटना है और इसने तरह तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुका स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी एपीआय चिटसर साहेब यांना बातमीवर माहिती मिळाली होती। एक पांढऱ्या रंगाची कार येते आणि त्यामध्ये काही वेपन्स आहेत, ते बातमीची खात्री केली आणि त्यानंतर नाकाबंदी लावली। त्या नाकाबंदीमध्ये त्यांना 12 तलवारी आणि 2 गुप्ती, एक चॉपर, एक चाकू आणि 2 फायटर आपल्याला मिळून आले। त्यामध्ये 19,000 रुपये आहेत। त्या 10 रुपयेमधील सगळे आरोपी हे आपल्या धुळ्यामध्येच आहेत, लळिंग, अवधान आणि जुनेर गावातले आहेत। त्यातला जो जुने अवधानमधला जो आरोपी आहे त्याचं नाव आहे सचिन सोनवणे आहे, हा पाटी म्हणून नाव आडनाव बोलावतो। त्याचा पाणीपुरत व्यवसाय आहे आणि याच्यापूर्वी 326 गुन्हा दाखल आहे। आणि हे जे फायटर आणि तिने गुप्ते आणली होती ते त्यांनीच आणले होते, ते निष्पन्न झालेले आहे। आणि त्यातला एक दुसरा आरोपी आहे किरण नंदलाल दुधेकर मराठे, हा व्यवसायाने ट्रॅक्टरचा मालक आहे, हा ट्रॅक्टर व्यवसाय करतो आणि त्याने मजुरांना घेऊन हा गेला होता राजस्थानमध्ये आणि तिथून हे वेपन्स विकत घेऊन आले होते। वेपन्स तरी कशासाठी आणले आणि ह्याचा कुठला घातपात करायचा कुठला प्रकार होता का, या विषयी पुढे तपास करत आहोत। ही चांगल्या कामगिरीबद्दल मी शिरपूर तालुका पोलिसचे प्रभारी अधिकारी सिरसाट साहेब यांचे जे पूर्ण टीमचे अधिकारी कौतुक करतो आणि त्यांना मी 10,000 रिवॉर्ड मी या ठिकाणी जाहीर करत आहे। BCN न्यूज के लिए अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।